जय जगन्नाथ। इंडिया प्राइस, इंडिया का जो प्राइस है वो समथिंग 6 करोड़ का पड़ रहा है, ठीक है ठीक है। और यहाँ दुबई से इंपोर्ट कराएंगे, तो अभी ये घर बना रहे हैं, ठीक है। टू का मतलब साइबर पार्ट टू भी आ रहा है, ये पार्ट वन है, ठीक है। तो ये इनकी फ्रेंड है और ये पाकिस्तान से, आप लोग को बता रहा हूँ, ये इनका नाम है इकरा, ठीक है। तो देख रही है, देख लीजिए ये हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग का बर्थडे एक ही दिन आता है, 18 सितंबर को, ठीक है। तो गाइस अभी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए। देखो गाइस जो रियलिटी है वो बता देता हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये माइक है, ठीक है। ये माइक मतलब कनेक्ट हो जाता है। अब या तो मुझे तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं पवन द राइडर ब्लॉग। अभी शाम का बज रहा है 5:46 मतलब 5:46, ठीक है। तो अभी हम गाइस इस वीडियो में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, और जो लोग मतलब अभी तक एक वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे आप लोग की सपोर्ट चाहिए इस वीडियो में, मैं बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई काम है तो इस वीडियो को चला के छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने अगर पहले देखा होगा, मैं लिख के भी डाल दिया हूँ वीडियो में, ठीक है, कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा चलने वाला है, ठीक है। मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा और बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। ऐसे मैं जब ब्लॉगिंग करता हूँ तो कभी नॉइस सही नहीं आता है और कभी मैं ही भूल जाता हूँ कि क्या बात करना होता है। लेकिन गाइस आज सारी बातें को कवर करेंगे इसी में, मतलब सब बात इसी में कवर होगा, ठीक है। और दिखाएंगे क्या क्या एक्सेसरीज है मेरे पास और मैं किस चीज़ से और किस ऐप से अपना वीडियो एडिट करता हूँ। बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है कि किस ऐप से वीडियो एडिट करें कि मतलब वो नहीं हो पाए, मतलब उसका जो वाटरमार्क होता है वो ना आ पाए। थंबनेल कैसे एडिट करता हूँ, मैं जानता हूँ थोड़ा सा बोरिंग थंबनेल होता है मेरा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा देने का और कोशिश कर रहा हूँ अच्छा खुद को बनाने का और खुद से मतलब कोशिश। मैं देखो गाइस ना मैं कहीं एडिटिंग सीखा हूँ ना कुछ, ना किसी से मैं हेल्प लेता हूँ। हाँ कभी कभी किसी किसी से मैं पूछ लेता हूँ अगर कैसा लग रहा है कैसा नहीं, तो पता नहीं क्या बोल देते हैं लोग, सब लोग तो ऐसे ही बोल देता है, कोई ये नहीं बोलता है, कोई बग बताना चाहिए कि हाँ आपके थंबनेल में ये बग है। एक है जो सचिन कुशवाहा जी, वो बताते हैं कि भैया मतलब वो उनसे बात होता है हमेशा कि आपके मतलब थंबनेल में ये प्रॉब्लम है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैं जो थंबनेल लगाया था सुपरमार्केट वाला, तो उसमें भी थोड़ा सा वो बताए थे कि ज़्यादा हाईलाइट हो गया है उसमें और वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा दिख नहीं रहा उसमें, मतलब विजिबिलिटी ज़्यादा नहीं है थंबनेल में। तो मैं फिर थंबनेल चेंज किया, फिर वो भी अच्छा नहीं लगा मुझे, तो मैंने फिर एक दूसरा थंबनेल लगाया जिसमें एक लड़की है। आप लोग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग प्लीज़ एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। सुपरमार्केट का गाइस मुझे बिल्कुल भी मतलब आइडिया नहीं था कि सुपरमार्केट वाला वीडियो इतना, जो सुपरमार्केट का वीडियो है इतना बोरिंग होगा, मतलब बोरिंग नहीं, वीडियो अच्छा है लेकिन उस पर आप लोग थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स नहीं दिए। ये रहा ये जो कार्ड है, अगर आप लोगों ने अभी वो वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ ये देख लीजिए, ये है सुपर मार्केट का जो है, ठीक है। आई डोंट नो क्लियर आ रहा है कि नहीं, तो ये सुपरमार्केट का कार्ड है, आप लोग एक बार जाके देख सकते हैं A to Z सुपरमार्केट, ठीक है। एक बार मैं एड्रेस भी बता दे रहा हूँ, ऐसे पिछले वीडियो में बताऊँ, आप लोग प्लीज वीडियो को एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस ये वीडियो जो है ये वॉच टाइम के लिए है, ठीक है। तो मैं ये वीडियो कम से कम मैं कोशिश करूँगा जितना लॉन्ग हो जाए उतना ज़्यादा क्रिएट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग क्रिएट करना है। अभी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, ठीक है, और बहुत सारी बातें करनी है। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए। देखो गाइस जो रियलिटी है वो बता देता हूँ, मैं मानता हूँ कि सब चीज़ पैसा से नहीं होता, लेकिन अगर पैसा रहे तब भी आप कुछ कर सकते हो, आपको मन लगेगा कुछ करने में। सपोर्टेड मैं एक बात बता रहा हूँ गाइस आप लोग को, एक स्टोरी बताता हूँ छोटा सा, जल्दी 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 मैं ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप सब कुछ छोड़ के
सब कुछ छोड़ के आप किसी काम में लगे हो, ठीक है, और एक तो मतलब सब कुछ छोड़ दिया आप, मतलब सिर्फ अपने घर का काम देख रहे हो, उसके बाद ना आप किसी जॉब के फेरा में हो, मतलब ना जॉब लेने की कोशिश कर रहे हो नहीं कुछ, आप पूरा ध्यान यूट्यूब पे दे रहे हो, ठीक है, टोटल मतलब जितना आपके पास बजट है वो सब लगा चुके हो उसमें, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम 20 बोते हैं ना, तो उससे कुछ मतलब फसल का भी आस रखते हैं कि हाँ फसल भी उगेगा, ठीक है। तो वैसे ही यूट्यूब है गाइस, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं, सब लोग कोई नहीं बोलता है कि मैं यूट्यूब पे पैसा कमाने आया हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं, पैसा भी ज़रूरी होता है, नहीं तो इतना मेहनत कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो गाइस देखो मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गया, आप लोगों को तो पता होगा, आप लोग यूट्यूब पे अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को नीचे में शो हो रहा होगा, ठीक है। तो जैसा कि 3200 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है, अपने चैनल पे, उन सब के लिए जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए उन लोगों को दिल से धन्यवाद, ठीक है, कि आप लोगों ने इतना जल्दी से, मतलब मैं बहुत दिन से मेहनत कर रहा हूँ गाइस, इतना कोई ये नहीं है, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइबर जो अभी बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है गाइस। और तो गाइस छोड़िए ये सब बात, हटाइए, ओ आते हैं मेन टॉपिक पे, वॉच टाइम, ठीक है। तो वॉच टाइम जो है मतलब कुछ भी नहीं है, मानो तो जीरो है वॉच टाइम, क्योंकि पीछे जो मैं वीडियो अपलोड किया हूँ वो घट रहा है, ठीक है, वो माइनस हो रहा है। आप सबको पता है, जैसे आप यूट्यूबर हो, या फिर जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ओनली 365 दिन डे का, मतलब 365 डेज का ही मतलब YouTube काउंट करता है कि आपका वॉच टाइम कितना हुआ है, ठीक है। तो गाइज मैं जो पहले वीडियो बनाया, जब मैं बाइक का डिलीवर लिया, फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर पता नहीं वगैरह वगैरह बहुत सा, ठीक है, तो वो सब वीडियो का मतलब रीच जो है और वॉच टाइम जो है वो सब डाउन हो चुका है, वो सब मतलब काउंट ही नहीं हो रहा है, वो पीछे से माइनस हो रहा है, ठीक है। नहीं तो मेरा 2500 घंटा हो गया था, ठीक है, 2500 और हो गया था मेरा वीडियो, मतलब चल गया था, ठीक है, शॉर्ट्स छोड़ के फिर पीछे से माइनस होने लगा, और क्योंकि वीडियोस पे व्यू नहीं जाते हैं, कोई भी वीडियो 2-4 घंटा चलता है, आप लोग भी वीडियो देखते हो या फिर स्किप करके, मतलब स्किप समझते हो आप, जैसे कि ऐसे 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 करके भगा दिया वीडियो, या फिर स्क्रॉल करके पूरा दिखा दिया कि हाँ पूरा देखिए चलो। तो गाइस देखो वो रीच होता है, ठीक है, आप लोग प्लीज़ वीडियो, अगर मैं मानता हूँ अभी थोड़ा सा कंटेंट मतलब वो हो रहा है, मैं मानता हूँ, मैं देखो ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सबसे अच्छा कर रहा हूँ, मैं गलत हूँ मैं मानता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है। आप लोग से बस रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप लोग, आपका क्या जाएगा, 100 MB जाएगा, 200 MB जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा ना, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को क्वालिटी कम कर दो, और क्वालिटी कम करके उसको जितना हो सके उतना देर तक चलाओ, ठीक है, मतलब अपने रिलेशन में शेयर कर सकते हो, कोई ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद गाइस देखो मैं कोई वल्गर चीज़ें नहीं डालता हूँ, मैं ना गाली ग्लोज करता हूँ, ना भोजपुरी, मतलब कितने लोगों को भोजपुरी भी पसंद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं क्या बोलूँ, मुझे देखो मैं ऐसा नहीं है कि मुझे भी भोजपुरी पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा अभी का जो भोजपुरी का माहौल चल रहा है ना, आप कभी उठा के देख लो, मतलब वो साथ में सुनने लायक नहीं है, अपने अगर फैमिली के साथ हो तो सुनने लायक है नहीं। हाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब नहीं, 100 में से 10 गाने जो ऐसे हैं कि आप सुन सकते हो, और 100 में से 90 गाने हैं ना वो आप फैमिली के साथ कभी नहीं सुन सकते हो, ठीक है। आप बजाओगे ना, अगर आप पढ़े लिखे हो ना, अगर आप बजाओगे ना तो आपको खुद शर्म आएगा, ठीक है, अगर आसपास के लोग आपको ऐसे देखेंगे, लेकिन जहाँ अगर एक बात और, आज मैंने ये मंगाया था, एक मिनट बता दो, आप ये देख सकते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये माइक है, ठीक है, ये माइक मतलब कनेक्ट हो जाता है, अब या तो मुझे ये अपरेट करने नहीं आ रहा है, ठीक है, या तो मुझे ये अपरेट करने नहीं आ रहा है, या तो ये माइक ही ख़राब है, क्योंकि मैं बहुत बार कोशिश की इसको यूज़ करने का, ठीक है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। मैं इसके बारे में अभी अभी डिलीवर होके गया 2 घंटा पहले, ठीक है, तो मैं देखूँगा कुछ देर बाद इसको कि क्या करना है, ठीक है, इसके बाद नहीं होगा तो मैं इसको रिप्लेसमेंट डाल दूँगा, दूसरा आ जाएगा, नहीं होगा तो रिटर्न कर देंगे इसको, दूसरा कोई लेंगे, ठीक है। देखो बजट उतना है नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें, देखो मेरे पास अगर अच्छी, इसको साइड में देते हैं, मेरे पास अगर अच्छी चीज़ें रहेगी तो मैं आप लोग को भी अच्छी चीज़ें दिखा पाऊँगा, ठीक है, तो मेरे पास भी अगर अच्छी चीज़ें रहेगी तो देखो मैं सब कुछ छोड़ के इस पर लगाऊँ, तो अगर इससे कुछ आएगा मुझे तब मैं कुछ इन्वेस्ट करूँगा, और इन्वेस्ट करूँगा तो आप लोग के लिए भी अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकता हूँ,
तो गाइज अभी भी मतलब मैं जब वीडियो बना रहा था ना, मैं जब सोचा कि मैं इतने मतलब टाइम का जो इतना वो होगा, मतलब यही कोई 20 मिनट 25 मिनट या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैं इतने टाइम का अगर वीडियो बना रहा हूँ ना, तो उसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, एक ग्रीन पर्दा है, ये मैंने दोस्त से लिया, ठीक है, ये सब तो मेरा ही है, और इधर का सिर्फ यही मैं लिया हूँ। उसके बाद मैं एक सामने में बॉल्ब लगाया हूँ, इधर भी एक सिर्फ रूम का जो बॉल्ब होता है वही बॉल है। मेरे पास कुछ खास भी है नहीं, लेकिन जो भी है मेरा सही है, ठीक है। मतलब अगर आप लोग को, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि वीडियो क्या रहा है, क्वालिटी कैसा रहा है। और गाइस अभी थोड़ा सा मेरा फेस का ना वो हो गया, तो प्लीज़ माइंड मत करना, ठीक है, थोड़ा समझ रहे हो ना, हो गया है, पता है धूप धूप हो रहा है ना अभी, थोड़ा सा इधर काम बढ़ गया था धूप में, इधर जाना आना हो गया था, तो उसके लिए ठीक है। और मौसम भी चेंज हो रहा है, आप लोगों को पता है, तो अब गर्मी का मौसम आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ दिन बाद मतलब सब सही हो जाएगा फिर, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ देखो, आप लोग से ना मैं हर एक वीडियो में मतलब हर एक, हाँ सही, मैं हर एक वीडियो में बोलाऊँगा कि हाँ कि आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करो। नहीं, आप लोग कोई कमेंट करेगा नाइस वीडियो, पूरा वीडियो तो देखो यार, मैं क्या बोलाऊँ वीडियो में, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग कुछ सजेस्ट करो, किस कोई टॉपिक का नाम बताओ कि हाँ इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दो, ठीक है। या फिर कहीं कोई ऐसा जो धार्मिक स्थल हो या फिर जो घूमने का जगह हो जहाँ को आपको देखना हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट करो। गुड न्यूज़ तो गाइस ये है कि अपना लाइसेंस भी बन चुका है, तो अब कोई टेंशन नहीं है कहीं दूर जाने आने में, तो अच्छा रहेगा। और देखते हैं, लाइसेंस बस 1-2 से 3 दिन में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मतलब मेरे जो हेड पोस्ट ऑफिस है ना, वहाँ पे आ चुका था और वहाँ से कॉल भी आया था मुझे, ठीक है। तो अब बस वो जो पोस्टमैन होता है वो कितने दिन में आके मुझे दे रहा है, बस अब उसी का वेट हो रहा है, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना क्या आप लोग को राजगीर का ग्लास ब्रिज देखना है, ठीक है। तो राजगीर एक बार जाते हैं, राजगीर एक्सप्लोर करते हैं, राजगीर से आते समय पटना एक्सप्लोर करेंगे, पटना जू, म्यूज़ियम और पता नहीं क्या क्या है, तारामंडल, क्योंकि आप लोगों को पता है आदित्य भी वहीं पर रह रहा है, ठीक है, तो आदित्य भी वहीं पर रह रहा है, तो और इजी हो जाएगा, उसको भी ले लेंगे साथ में, जिस दिन उसका छुट्टी रहेगा हम पटना भी एक्सप्लोर कर लेंगे, कोई ये नहीं है, ठीक है। तो बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके उतने वीडियो को शेयर करें, ठीक है, आप लोग समझें प्लीज़। अगर आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करते हैं, किस शेयर मतलब देखो, अभी गाइस मेरी ऑडियंस ऐसी है ना कि कितने लोग तो ये भी पता नहीं होगा कि शेयर क्या होता है, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो, ठीक है, लेकिन कितने लोग को ये पता नहीं है कि शेयर क्या होता है। शेयर मतलब होता है कि देखो, आप उस वीडियो का ना लिंक भेज, मतलब लिंक कॉपी करके किसी अपने फ्रेंड के पास या फिर रिलेटिव के पास या फिर अपने घर वालों के पास, ठीक है, आप भेज सकते हो अगर कहीं दूर से देख रहे हो वीडियो तो मेरी, ठीक है। क्योंकि देखो इस वीडियो का मेन टॉपिक यही है कि वॉच टाइम पूरा कैसे करना है, ठीक है, तो यही सब है। बाकी गाइस अभी दिखाते हैं आपको मेरे पास एक्सेसरीज क्या क्या है, ठीक है, और मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ। और गाइस एक इम्पॉर्टेंट बात और, ठीक है, आप लोग प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, जिन्होंने नहीं किया है जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, 1K होने वाला है अपना, ठीक है, अभी 800 समथिंग हुआ है, ठीक है, 821 या 22 शायद, मतलब यही है, ठीक है। तो तब तक गाइस आप लोग ये सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, तब तक मैं आ गया गाइस, आ गया फिर से। तो गाइस प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लग रहा हूँ, ठीक है, आप लोग किसी वीडियो में कमेंट नहीं करते हो, नहीं एक दो वीडियो में आया था कमेंट, ठीक है। तो गाइस देखो,
अभी जो ये मेरा मेन फ़ोन है देखो, अभी थोड़ा सा मतलब कैमरा का क्वालिटी भी अजीब सा आ रहा होगा ना, क्योंकि ये जो मेरा फ़ोन है, जिनको नहीं पता है मैं बता दूँ, MI 10i का फ़ोन है, ठीक है। तो ये थोड़ा रेयर ज़्यादा वो करता है, ठीक है। और मैं ज़्यादा एडिट भी तो नहीं करता हूँ, नॉर्मल से एडिट करता हूँ, ठीक है। और वीडियो में ज़्यादा सिर्फ थोड़ा सा ब्राइटनेस मतलब बढ़ाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा कुछ बढ़ाता नहीं हूँ। और पीछे का यार नॉइस इग्नोर करना, ठीक है, अगर आ रही होगी तो। मैं तो कोशिश किया हूँ कि ना आए, ठीक है, लेकिन मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ तो थोड़ा, और आगे पीछे इधर घर भी है, और मैं गांव में रहता हूँ बेसिकली, तो गांव में छोटे छोटे बच्चे भी शाम को मचाते हैं। अभी अपना कोई सेटअप है नहीं, ये मैं जस्ट रूम में ही कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी मम्मी का रूम है, ठीक है, तो मम्मी के रूम में मैं अपना सेटअप लगा चुका हूँ, मतलब लगा रखा हूँ साइड में, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि सिनेमैटिक्स कैसा लगा आप लोग को, और क्या क्या दिखा आप लोग को। देखो गाइस, मेरे पास जो भी है, जितना भी है, मैं उतना में खुश हूँ, ठीक है। मुझे हमेशा यही रहता है कि मेरे पास जो है मैं उसमें ही खुश रहूँ और उसमें सबको खुशी दूँ, ठीक है। मतलब मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोग के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊँ, लेकिन अच्छी चीज़ें लाने के लिए मेरे पास भी तो अच्छी चीज़ें होनी चाहिए ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट दिखा दीजिए, ठीक है, तो मेरे पास भी हो जाएगा, और हो जाएगा तो फिर बात ही क्या करना है। गाइस देखो, मैं कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। आप लोगों को कैसे कमेंट करना है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, मैं जो टॉपिक मैं कभी अगर बोल दूँ कि हाँ इस टॉपिक पे बोलना है, मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं बोल दिया कि हाँ गाइस ये बताना कि कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वहीं पे ये मत सोचना कि हाँ पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा एंड में, उसके बाद हम मतलब वो कर देंगे, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मैं मतलब कमेंट कर देंगे, ठीक है, लास्ट में। गाइस ऐसे कमेंट नहीं करना है, ठीक है। आप लोग को मतलब जहाँ ऐसा लगे कि ये बोला है, ठीक है, अगर मुझे थोड़ा सा भी मतलब ये करते हो, अगर आप बेसिकली अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा कुछ ना कुछ तो ज़रूर मानते हो। अगर मानते हो बस छोटा भाई ही समझ के वो कर देना, या फिर दोस्त समझ के, जो मेरे एज के हैं वो दोस्त समझ लेंगे, जो मुझसे बड़े हैं वो मुझे छोटे भाई समझ के, दोस्त समझ के, और कुछ भी समझ के मतलब एक सजेस्ट कर देंगे कि हाँ आपको ये करना चाहिए, ये बोलना चाहिए, यहाँ पे ये गलत था, ठीक है, और यहाँ पे ये सही है, ये अच्छा कर रहे हो, इस पे करो, या फिर कोई टॉपिक बता, जैसे कि मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि टॉपिक बताने के लिए, ठीक है। तो सिनेमैटिक्स भी दिखाया मैं आप लोग को। अभी गाइस अब टाइम है लैपटॉप ऑन करने का, और लैपटॉप ऑन करके आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि मैं किस ऐप से एडिट करता हूँ, ठीक है। मैं लैपटॉप का तो मैं ऑलरेडी अनबॉक्सिंग वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, मेरे चैनल पे होगा, आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो, देखो गाइस, अगर किसी वीडियो को थोड़ा सा ध्यान दे के देखोगे तो उसमें कुछ कमी, कुछ मतलब कुछ बुराइयाँ, कुछ अच्छाइयाँ दोनों मिलती है। ये नहीं मानता हूँ कि मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाता हूँ या फिर मेरी कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ बस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं वेस्ट कर रहा हूँ, मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं वेस्ट करता तो मतलब ना ये वीडियो ऐसे नहीं होता, 100 व्यूज़ भी नहीं हो रहे यार, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। मतलब क्या बोलूँ मैं, उन अंकल को सॉरी ही बोल देता हूँ, और क्या कर सकता हूँ मैं। उन्होंने मुझे मतलब इतने उम्मीद से बुलाया था कि मैं उनके सुपरमार्केट में अगर वीडियो बनाऊंगा तो उनके पास भी ग्राहक आएंगे, और मैं भी उसी उम्मीद से गया था कि मैं कोई डिफरेंट कंटेंट डालूंगा तो लोग मेरी वीडियो देखेंगे या फिर शेयर करेंगे, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। कोई बात नहीं हुआ, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, मैं करूँगा, ठीक है, मैं करूँगा, मैं छोड़ूँगा नहीं, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दे दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और गाइस ऐसी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना, और यहीं पे कमेंट करना, अभी आप देख रहे हो ना, यहीं पे कमेंट करना कि हाँ ये ऐसा वीडियो मैं महीने में 2-3 डालूँ, आप लोग सपोर्ट करोगे, ठीक है। अगर गाइस देखो, मैं ज़्यादा नहीं एम रखता हूँ, इस वीडियो पे अगर 500 व्यू गया, बस 500, ज़्यादा नहीं, इस वीडियो पे अगर 500 व्यू गए, वो भी पूरे वीडियो देखें लोग, तो ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास कोई आपका दोस्त भी है तो प्लीज़ उससे बोल दो यार कि हाँ इस वीडियो को पूरे देखो। मैं चाहता तो मैं पेड करके वॉच टाइम ले सकता था, ठीक है, पेड करके वॉच टाइम ले सकता था, लेकिन मैं पेड क्यों करूँ, मुझे अपने पे वो है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है।
आप लोग का सपोर्ट चाहिए बस, और मैं जानता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करोगे। अभी थोड़ा सा क्यों ऐसे हो रहा है मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। और गाइस हो सकता है कि अभी जो मैं वीडियो डाला हूँ 2 दिन पहले, उसके बाद ये वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि बड़ा वीडियो होगा, एडिट भी करना होगा, बेस्ट करने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। मतलब आज गाइस देखो अच्छा लगता है बात करके और ऐसे वो करके, ठीक है। मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मैं बस ऐसे सोचता हूँ कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, आप मेरे सामने हो, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो अभी मुझे, मैं भी आपको देख रहा हूँ, बस फ़र्क इतना है कि मैं जो अभी बोल रहा हूँ और जो आपके मन में चल रहा है बस वो नहीं जान पा रहा हूँ, ठीक है, कि आप मुझे क्या बोलोगे ये वीडियो देखने के बाद, या फिर जो अभी देख रहे हो अभी आप क्या बोलोगे मुझे, आपके माइंड में क्या चल रहा है मेरे लिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं कि जो हेट देते हैं, और अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ, देखो कभी भी ना तुम कुछ करोगे, या फिर मैं एनालाइज़ किया हूँ कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ ना, कोई मतलब कोई भी होता है गाइस, देखो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो उसका दो रीज़न होता है, दो रीज़न मतलब उसका दो परिणाम होता है, एक अच्छा एक बुरा, ठीक है। तो आज मैं कुछ कर रहा हूँ उसका, उसमें अच्छाई भी है बुराई भी है, ठीक है। अगर ये नहीं है कि सब लोग मुझे अच्छा ही बोलेगा, और ये भी नहीं है कि सब लोग मुझे बुरा ही बोलेगा, ठीक है, लेकिन जो अच्छा बोलेगा उसका हमेशा अच्छा होगा, किसी का कोई बुराई करके आगे नहीं गया है, ठीक है। और गाइस एक गुड न्यूज़ और है, अभी जो UK07 राइडर जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ, बाबू भैया अनुराग डोवाल उनका, देखो मैं पहले आराम से बताता हूँ, अनुराग डोवाल उनका ओरिजिनल नाम है, ठीक है, और उनका चैनल का नाम है UK07 राइडर, ठीक है, और उनके मतलब 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, और इंस्टाग्राम पे शायद 2 मिलियन प्लस या फिर 2 मिलियन होने वाले हैं, ठीक है, 2 मिलियन हो ही गया है शायद, ठीक है। वो ना एक मर्च लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें मतलब 1000 टी शर्ट रहेंगे, ठीक है, और वो जो 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 परचेज़ कर लेगा वो उनके उनसे डायरेक्ट बात कर सकता है, ठीक है। मतलब एक मर्च होता है ना कि एक टीम का मतलब आप मेंबर बन जाओगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल में वो 1000 ड्रॉप कर रहे हैं, कर दिए हैं, कल रात को ही ड्रॉप हुआ है, तो हमने भी ऑर्डर किया है, बस ऑर्डर में कंफर्म पेमेंट कंफर्म नहीं हुआ है, हो सकता है कि मेल आएगा, अभी रात तक कहीं मेल आएगा मेरे पास ऑर्डर पेमेंट करने के लिए। मैंने जो उन बहन बोलते हैं वो बाबू भैया की बहन जो है भव्या दीदी, उनके पास भी मैं मेंशन किया था, उसके बाद उनके पास भी DM किया था, लेकिन रिप्लाई नहीं आया, तो बड़े लोग हैं तो जल्दी रिप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन अगर देखेंगे तो ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और मतलब 171 जो बंदे हैं मतलब उसमें मैं भी हूँ, ठीक है, वो लोग रात को अगर चेक करेंगे तो ज़रूर मेरे पास मेल आएगा, और मेल आएगा तो मैं उनसे कॉन्टेक्ट कर लूँगा और मुझे भी मिल जाएगा। तो एक बहुत बड़ा न्यूज़ है कि बाबू भैया से मतलब बाबू भैया के साथ वीडियो बनाने का मौका मिलेगा, ठीक है, और मतलब उनकी उनसे बातें होगी, जब वो आएंगे तो हम लोग को डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगा उनके पास, सिर्फ वो टी शर्ट हम लोग के पास रहना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं साइड में टी शर्ट का पिक भी डाल दूँ, बाबू भैया पहने हैं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद गाइस आप लोग से प्लीज़ देखो बस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो, बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारी बातें बता रहा हूँ अभी आप लोग को। हाँ तो क्या बोलते हो, लैपटॉप ऑन किया जाए, चलो बहुत सारी बातें हुई आप लोग से, ठीक है, और प्लीज़ हाँ याद से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, ठीक है। मेरे अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे इंस्टाग्राम मिलेगा, आप लोग उस पर क्लिक करोगे, आप लोग इंस्टा पे चले जाओगे, वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना, ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँ, ठीक है, और पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप लोग को प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस वीडियो को विज़िट कर लेना जाके, ठीक है। और चलो खोलते हैं लैपटॉप और देखते हैं, सुनाते हैं आप लोग को, एक दो गाना भी सुनाएंगे, ठीक है, चलिए सेटअप करते हैं कैमरे को उस टाइप, सॉरी फ़ोन को उस साइड, ठीक है, उसके बाद सुनाते हैं आप लोगों को कुछ कुछ गाना। ये आ गया, ये देखो कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है, देख रहे हो, चलो चलो चलो।
घूम जाओ घूम जाओ, थोड़ा सा हम भी देखें ना, हम देखेंगे तो हमें चलेगा। तो भाई चलो अभी क्या करें, चलो पहले स्टार्ट करते हैं, पहले एक गाना चला लेते हैं। ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं अपना वीडियो ही चला लेते हैं, खुल जा जल्दी जल्दी। एक मिनट ये कर लेते हैं पहले अपना वीडियो, यहाँ से आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है वैस देखो ये सुपरमार्केट वाला वीडियो यही है। ठीक है तो आप लोग जाओ यार एक बार, रुको एक मिनट कनेक्ट कर लें, ब्लूटूथ तो कनेक्ट ही नहीं हुआ है ना, ये ब्लूटूथ से नहीं चलता। बस अभी गाइस पीछे का बैकग्राउंड आप लोग प्लीज़ वो करना, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा चला दूँ इसको, ये हुआ ये आ गया सर। प्लीज़ देखो अगर आप लोग नहीं देखे हो जाके देख लेना एक बार, ठीक है यही है। ये देख सकते हो, देखो ये वाला वो वीडियो है, ये नहीं हाँ हाँ ये हुआ, राधे राधे बोल, ठीक है। और सब इस पर गाइस इस पर कॉपीराइट लग चुका है, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग, हाँ मैं इसको हटा दूंगा बाद में। ठीक है पहले बैकग्राउंड में जो चलाना है ना मैं वो वाला चला रहा हूँ। ठीक है ये आ गया हम लोग वीडियो पे, ये अपना चैनल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है खोल में चैनल, ठीक है। और ये ऐसे खुलता है अगर कोई लैपटॉप में खोलता है तो, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना है बाइनर आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं गाइस, ये बताओ अच्छा लगता है ना, प्लीज़ बता देना यार। बहुत मेहनत लगा था इसको बनाने में, मैं किसी से पे करके नहीं बनाया हूँ, ठीक है खुद से बनाया हूँ। उसके बाद ये सब अपना वीडियो है, देखो गाइस आप लोग क्या कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो 92 व्यूज़, 101 व्यूज़, 138 व्यूज़, 105 व्यूज़, ये सब क्या हो रहा है। ठीक है ये देखो ये जो सेलिब्रेशन वाला था ना अपना, ये 2K सेलिब्रेशन वो वाला वीडियो है, मैं इसको ही चला रहा हूँ। ठीक है देख रहे हो ऐड भी आ रहा है, ऐड आ रहा है, बस आप लोग वॉच टाइम पूरा करा दो प्लीज़। ठीक है इस वीडियो को पूरा देखना बस, ठीक है। मैं ये भी बताऊँगा आप लोग को मैं कौन सा ऐप यूज़ करता हूँ एडिट के लिए। ठीक है देखो पूरा वीडियो देखोगे ना इसमें कहीं आप लोग को वो नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है ये मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है आप लोग का आवाज आ रहा है ना, देखो इसको चलने देता है इधर, ठीक है चलने देते हैं इसको। तो वैसे देखो एक मिनट इसको मिठाई देते हैं, ठीक है सॉरी मतलब मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है देखो ये रहा कैप कट, ठीक है तो ये देखो ये मैं इससे वीडियो एडिट करता हूँ। ठीक है इसको ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है, ठीक है थोड़ा सा हार्ड है लेकिन आप यूज़ करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है ये मीडिया है ना, यहाँ से यहाँ से इंपोर्ट करना है, ठीक है तो आप लोग जो रखे होंगे ठीक है वो सब आ जाएगा। जैसे कि ये सब देख लो, मैं कोई ट्यूटोरियल तो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ये हो गया आप लोग देख रहे हो तो, ये ऑडियो का हो गया, ये मतलब वो टेक्स्ट का हो गया, ठीक है स्टिकर्स बहुत सारे इफ़ेक्ट्स था, उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद फिल्टर्स एडजस्टमेंट, कलर एडजस्ट कर सकते हो बहुत सारी मतलब वो है। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद भी आप लोगों को बहुत सारा ये आ जाता है, ठीक है बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसको भी हम हटाते हैं, ठीक है ये क्या कर रहे हैं लोग, अच्छा इसमें हल्ला हो रहा है ना। ये चलने देते हैं, ठीक है बस आई गेस आप लोग को आवाज़ ज़्यादा नहीं आ रहा होगा, ठीक है मेरी भी आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रहा होगा। ठीक है तो गाइज ये देखिए
ये है कुछ मैं थंबनेल जिससे एडिट करता हूँ, एवोब करके जो है, एक बार खुल जाए, एडोब एडोब एक्सप्रेस ऐसे कुछ करके है, ठीक है। आप लोग देख लेना प्रोनाउंसिएशन, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ये खुल रहा है अभी, गाइस थोड़ा स्लो चल रहा है। हाँ ये खुला, बस खुल रहा है। ये देखो यहाँ से आप कस्टम भी कर सकते हो, ये आपको दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये हो गया ना, ये यहाँ पे कस्टम हो गया, एक मतलब लोगो हो गया, आप लोग देख सकते हो। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए, इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए है, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए फेसबुक पोस्ट के लिए है, यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। ये सब है, बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारे कवर्स हैं, ये है वो है फलाना ढिमकाना, बहुत सारा है, ठीक है। हम देखो बैक होता है एक बार, हम यहाँ से यूज़ करते हैं। तो जिनको नहीं पता यूट्यूब का थंबनेल का जो वो होता है ना, वो देखो यहाँ से होता है, मतलब 1280 आप ले लोगे, ठीक है। और उसके बाद ये ले लोगे 720, ठीक है। ये हो गया 720, ठीक है, ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये 720 हो गया। फिर नेक्स्ट करोगे आप लोग को बहुत सारा टेम्पलेट मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, नेक्स्ट तो कर दिया होगा, नेट स्लो है, ठीक है। गाइस देखो यहाँ से थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा ही होता है, कभी कभी स्लो चलता है, लेकिन मैं इसी ऐप से करता हूँ, ठीक है, कोई ये नहीं है। गाना ख़त्म हो गया तो अभी चलो फिर से खोल लेते हैं YouTube, और अभी क्या चला है, अभी कुछ लगाते हैं, लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा गाइस, दिक्कत ये है, ठीक है। कॉपीराइट का ही थोड़ा सा इशू है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं था, देख रहे हो। एक बार गाइस साइबा लगाता हूँ, ठीक है, मुझे साइबा बहुत पसंद है। गाइस मैं हो सकता है तो वो भी कर दूंगा, ठीक है, रुको एक मिनट क्वालिटी बढ़ा लें, ठीक है। मैं बता रहा हूँ गाइस, कॉपीराइट लगने वाला है पक्का, ठीक है। बाबू भैया कॉपीराइट डालेंगे तो डालेंगे, एकदम फिक्स है, मैं उनका गाना यूज़ कर रहा हूँ तो कॉपीराइट नहीं डालेंगे, बताओ गाइस। इसका साइबर टू का मतलब साइबर पार्ट टू भी आ रहा है, ये पार्ट वन है, ठीक है। तो ये इनकी फ्रेंड है और ये पाकिस्तान से, आप लोग को बता रहा हूँ, ये इनका नाम है इकरा, ठीक है। तो देख रही है, देख लीजिए, ये होता है एक राइडर का लाइफ, ठीक है। देखो गाना का लिरिक्स सुनो, गाना का लिरिक्स सुनो, सुनो। ए मेरा दिल सुई खजाए, क्यों हो गए हो पराए, तुम ही से बस था मेरा ये राबता, क्यों मेरी रूह। आहा साहिबा, गाइज हटा देते हैं यार, ठीक है, कॉपीराइट लग जाएगा। एक बार इनका चैनल विजिट करते हैं हम लोग, ठीक है, और देखते हैं क्या सीन्स रहता है। बहुत लोग गाइज देखो, मैं ये इसलिए बना रहा हूँ और मैं आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि वीडियो बना रहा है, क्या कर लेगा वीडियो बना के, तो मैं अभी आप लोगों के सामने लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये जो है ना, ये देखिए, इनके कितने दिन पहले का वीडियो है,
ये कुछ 3 साल पहले का वीडियो है, आप अगर देखो तो इनको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोग को। देखो ये है, ये दिख रहे हैं, ये है अनुराग दोवल, मतलब बाबू भैया, ठीक है। और उसके बाद मैं इनके चैनल दिखा रहा हूँ आप लोग को। चलो 1 मिनट, यहाँ से वीडियोस में आते हैं, ठीक है। और ये देखो, आज इनके पास मतलब कोई भी ऐसी सुपर बाइक नहीं है, ठीक है, जिनके पास ना हो। हाँ, अभी पेनिगली नहीं है, लेकिन ये पेनिगली भी लेने वाले हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं इनका हर एक वीडियोस का व्यू देखिए, 3 घंटा पहले का है और 295 के व्यूज़ है इस पर, ठीक है, मतलब 2,95,000, ठीक है। उसके बाद देखिए 1.2 मिलियन, 1.4 मिलियन, 1.5 मिलियन, मतलब ये गाइस देखो, जो जिस बंदे को आप फॉलो करते हो ना, उसका एक एक चीज़ आपको पता रहता है, ठीक है। तो जैसे कि मुझे भी पता है, ये देखो, कोई भी गाइस ऐसा ये नहीं है कि मिलियन से नहीं है इनका मतलब वीडियोज़, टोटल व्यूज़ मिलियन में, टोटल वीडियोज़ का व्यूज़ मिलियन में। अभी इन्होंने अपने पापा को बाइक गिफ्ट किया है, ठीक है, कवासकी का है, 600 cc का बाइक, सुपर बाइक, मतलब वो भी सुपर बाइक में ही आता है, ठीक है। और इनके पास H2 हायाबुसा, H2 जो लास्ट बाइक होता है बाइक के कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद एक होता है H2R, ठीक है। तो H2R कोई परचेज नहीं करता है क्योंकि वो लीगल ही नहीं होते, इंडिया में मिलता ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोग को जूम कर दूँ, आप लोग को दिक्कत हो रहा है ना, तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और क्या करूँ, थोड़ा सा मैं आप लोग को ये हुआ और ये हुआ, ठीक है। अगर आप लोग को दिख रहा है तो ये देखो, आप लोग बस देखते जाओ, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ इनके पास, मतलब जो जो है ये, मतलब जो ज़िंदगी जीते हैं ना गाइस। देखो मैं ये भी बताऊंगा कि ये ज़िंदगी कैसे हुआ था, ठीक है। तो अब देख सकते हैं इनके पास, मैं क्या बता रहा था, बाइक का कलेक्शन, ठीक है। तो जो H2R होता है ना, कवासकी निंजा H2R, बहुत लोग बोलते हैं H2R, अरे भाई H2R लीगल ही नहीं है इंडिया में, ठीक है, इलीगल है, लेके क्या करोगे, बाइक घर में रखोगे। तो देखो इनके पास H2 है सिर्फ, कवासकी निंजा H2, ठीक है, हायाबुसा ZX10R, ठीक है। हायाबुसा आप लोग को बता दूँ, सुजुकी की बाइक है जो धूम में है, आप लोग सबको धूम पसंद है, जो भी देखता है वो बोल देता है कि ये धूम की बाइक है, ठीक है। तो वो है, और ये है आप देख सकते हो H2 हायाबुसा ZX10R, मस्टैंग GT इनके पास, किया सोनिट, उसके बाद कार बता रहा हूँ, फोर व्हीलर में मस्टैंग GT। पहले बाइक का बात कर लेते हैं गाइज। तो मैं बताया था ना आप लोगों की कवासकी निंजा H2, कवासकी निंजा ZX10R, सुजुकी हायाबुसा, ठीक है, KTM RC 200, BMW GS 1250 GS, ठीक है। उसके बाद और कौन सा है, BMW GS 310, उसके बाद KTM RC 200, इनके पापा का एक बाइक है अभी जो सुपर बाइक ये लिए हैं, और पहले इनके पापा वो चलाते थे। अभी गाइस देखो, ये लेम्बोर्गिनी लेने वाले हैं, इसका मतलब जो इंडियन प्राइस में है ना, इंडिया प्राइस, इंडिया का जो प्राइस है वो समथिंग 6 करोड़ का पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। और यह दुबई से इंपोर्ट कराएंगे, तो अभी ये घर बना रहे हैं, ठीक है। इनके मैं पूरा लाइफ हिस्ट्री बता दिया आप लोग को, तो पहले ये घर बनाएंगे उसके बाद लेम्बोर्गिनी लेंगे, ठीक है। उसी के सिलसिले में दुबई आना जाना रह रहा है इनका, तो यही कुछ है। मैं बेसिकली देखो, मैं बस ये इनका लाइफ बता, ये आपको जो दिख रही है ना ग्रीन ग्रीन कलर की, इनकी मस्टैंग GT है, ठीक है। और अभी तक इन्होंने 600+ वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। ये लिए थे जो ग्रीन कलर की थी, इसका फिर से रैप करा रहे हैं। और गाइस इनके इनके मीटअप में ना, मतलब कोई राइडर, मतलब ब्लॉगिंग, मोटो ब्लॉगिंग कम्युनिटी का कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके मतलब फैंस इतने कट्टर हैं, ठीक है। इनसे मिलने के लिए गाइस 10,000 तक भी हो जाते हैं, 10,000 लोग अगर आ जाते हैं इनसे मिलने के लिए, ठीक है। आप लोग को एक दिखा रहा हूँ मैं, कहाँ गए थे, इनका एक मीटअप था, मैं दिखा रहा हूँ वहाँ से लोगों का, मैं अभी वाला दिखा रहा हूँ, पहले वाला तो बहुत लेट हो चुका है, ठीक है। उसमें तो आप लोग बोलोगे कि बहुत दिन का है तो क्या हो गया, अभी का बता रहा हूँ उनको, अभी यही H2 लिए थे ये, ठीक है। और ये देखो मीटअप का बता रहा हूँ, पुलिस वुलिस सब आ जाती है, That's what I wanted.
ये देखिए ये वाला था ना, ये देखिए जय जगन्नाथ। देख रहे हो गाइस, ये हाल होता है, ये हाल होता है इनके मीटअप पे, ठीक है। तो ये मतलब अभी के डेट में राइडर कम्युनिटी के सबसे मतलब बड़े ब्लॉगर तो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे सबसे बड़े ब्लॉगर हैं अभी। 5 मिलियन अभी राइडर कम्युनिटी में किसी का भी सब्सक्राइबर्स नहीं है, सब्सक्राइबर्स बेस, ठीक है। तो यही है, अभी कैमरा को आगे करते हैं और आपसे बातें करते हैं। तो गाइज ये था एक राइडर का मतलब जो लाइफ होता है वो लाइफ स्टाइल, आप देख सकते हैं उनके पास किसी भी चीज़ के मतलब आज जो सोचते हैं ना कि हाँ मतलब मुझे ये करना है, हो जाता है। वो सिर्फ सोच ले ये करना है और हो जाता है, ठीक है। तो यही था, और जो मतलब ये गाइस उनके लिए था ना कि जो बोलते हैं कि हाँ वीडियो बना के क्या कर लोगे, क्या करते हो। वैसे देखो हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है। टाइम आने पर पता चल जाता है कि वो बंदा क्या करेगा, ठीक है। अगर आप अभी उठाओगे तो आप रैपर को जानते हो, MC Stan, उनको जानते हो। वो बंदा क्या था, रिक्शे पे सोता था। सोशल मीडिया ने उसको आज यहाँ तक पहुँचा दिया ना कि मतलब क्या ही बोला जाए, ठीक है। और बंदे ने मेहनत किया, और ये भी ये नहीं है कि ये मेहनत नहीं किया, हर एक वो मेहनत किए हैं। मतलब ये जो है ना, इनके लाइफ के बारे में अगर आप जानोगे, मैंने पूरा इनके लाइफ में इनका लाइफ स्टाइल नोट करके रखा हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो सिमिलर होती है हम लोग में। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब वही है, लेकिन सिमिलर बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग का बर्थडे हो गया, फिर मतलब ये थोड़ा सा मतलब वो जितना मतलब वो करते हैं ना, उनका मैं कट कॉपी पेस्ट अपने लाइफ में करता हूँ, कोशिश करता हूँ करने की, ठीक है। जैसा कि आप लोग अभी उनका लुक देखिए, फिर मेरा लुक देख लो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उनके जैसा दिखता हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ। क्योंकि आइडियल लुक होता है ना कि आप जिसको मानते हो उसका हर एक चीज़ आपको अच्छा लगता है, ठीक है। बस यही है, तो उनके लिए ही आप सब कुछ देख सकते हो मेरा, और कुछ कुछ बातें भी। उसके बाद फर्स्ट सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग का बर्थडे एक ही दिन आता है, 18 सितंबर को, ठीक है। तो गाइस अभी से पहले आप मेरा कोई बर्थडे नहीं देखे होंगे, क्योंकि पिछले बर्थडे में मैं सेलिब्रेट करने वाला था और उसका ब्लॉग भी आता, लेकिन मेरे घर कुछ अजीब सा हो गया। तो जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि क्या हुआ था क्या नहीं, ठीक है। गाइस पहले गाना चलाते हैं, ठीक है। मूसे वाले को नहीं सुना तो क्या सुना, एक बार मूसे वाले लगाते हैं, ठीक है। ये भी एक लेजेंड थे गाइस, कोई बात नहीं, जो ये किया है ना इनके साथ वो कभी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा आगे, ठीक है। लोग जलते हैं यार, क्यों जलते हैं ये पता नहीं यार। बंदा मेहनत करके यहाँ तक आया है, ऐसे नहीं ना आया, तुमसे बोलने नहीं ना गया, क्यों देख के जलते हो। अगर प्यार नहीं कर सकते तो जलो भी मत यार, क्या बोले, क्या बोला जाए गाइस। लेजेंड आदमी को मार दिया लोग, कोई बात नहीं, सबका हिसाब ऊपर वाला करता है ना, और करेगा, ठीक है। कौन सा गाना लगाऊं, ये लो एंजॉय। कॉपीराइट आए तो आए, नो टेंशन। Oh, man.
तो गाइज आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है आप लोग, और जिन्होंने लास्ट तक देखा उनको दिल से थैंक यू और दिल से धन्यवाद, ठीक है, कि मतलब आप लोगों ने जो अभी तक ये वीडियो देख रहा है ना, वो मेरा सच्चा दोस्त है, मेरा सच्चा चाहने वाला है, मेरा जो भी है सब कुछ मेरा वही है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप लोग चाहोगे तो मुझे, ये देख रहे हो ना ये लेवल देख रहा है आपको, यहाँ से आप लोग यहाँ तक लेके चले जाओगे, पता है, और पता नहीं कहाँ तक लेके चले जाओगे, ठीक है। लेकिन बस जो ये वीडियो यहाँ तक देखा है ना उसको दिल से थैंक यू, और वही सच्चा है, और मतलब वो मानता है कि हाँ कुछ करेगा। गैस देखो अगर मैं कुछ करूँगा ना तो उसके पीछे आप लोग जो अभी जो मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आप लोग का श्रेय जाएगा और आप लोग को ही मतलब ये रहेगा। क्योंकि देखो किसी को बनाने के लिए ना, बनने में बहुत टाइम लगता है और बिगड़ने में थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा कुछ हुआ बिगड़ गया, ठीक है। तो गैस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अगर लास्ट तक हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। और क्या बोलो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो, ठीक है गाइस। लेके आते हैं फिर ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो, या फिर डिफरेंट भी हो सकता है। अगर आप लोग का इस पे 10 कमेंट आ गया, ऐसे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 500 व्यूज़ और 10 ओनली 10 कमेंट्स, समझ गए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दिनलेट। एक बाबू भैया का डायलॉग है, ऐसे ऐसे लेकिन हमको, हम तो कोई मिले नहीं है उनके सामने ऐसे पुई करने के लिए, बट कोई नहीं, किस्मत में होगा तो ज़रूर मिलेंगे उनसे, ठीक है। और एक उनका लास्ट में जो डायलॉग बोलते हैं कि मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेल देन बी सेफ एंड राइड सेफ, बाय बाय गाइज।